हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी रामपाल। आज दी वीडियो विच असी स्पैरोज एंड रैट्स ये स्टोरी आप इंग्लिश विच ट्रांसलेट करते हाँ। सो इस विच वोकैबलरी जो यूजफुल है वेखते हाँ। स्पैरो नेस्ट, चिड़िया दे आलने। स्कैटर, ये वर्ब दी फॉर्म है खिलारना। पिकअप जा पिक चुगना। अपसैट, परेशान। फ्लटर, फड़फड़ाना। टवर्ड्स हिम, उस वल। निबल, कुतरना। चलो शुरू करते हाँ। एक पिंड विच एक किसान रहिंदा सी। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। इसका मतलब एक पिंड विच एक किसान रहिंदा सी। लिव रहना वर्ब दी फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट टेंस। उस दे खेतां दे नेड़े रुखां उपर चिड़ियां दे बहुत सारे आलणे सन। सो इस नूं आपां देयर नाल बनावांगे। देयर वर सो मैनी नेस्ट्स जां स्पैरो नेस्ट्स। देयर वर सो मैनी स्पैरो नेस्ट ऑन द ट्री, रुखां दे उपर। ऑन द ट्रीज नियर हिज फील्ड्स, उस दे खेतां दे नेड़े। देयर वर सो मैनी स्पैरो नेस्ट ऑन द ट्रीज नियर हिज फील्ड्स। जदों कदे भी किसान अपने खेतां विच बीज खिलारदा। सो जदों कदे भी, वैन एवर। वैन एवर द फार्मर स्कैटर्ड सीड्स इन हिज फील्ड्स। जदों कदे भी किसान अपने खेतां विच बीज खिलारदा, चिड़ियां सारे चुग लैंदियां। द स्पैरोज picked them all, चिड़ियां सारे चुग लैंदियां। किसान बहुत परेशान सी। द फार्मर वॉज वेरी अपसैट, उसने एक जाल खरीदया। ही बॉट, बाय बॉट ही बॉट अ नैट। जां असीं इसनूं ट्रैप भी कह सकते हैं, TRAP। उसने अपने खेत विच जाल विछा दिता। ही स्प्रैड, विछाउणा स्प्रैड। ही स्प्रैड द ट्रैप इन हिज फील्ड्स। जदों चिड़ियां दाणा चुगन खेत विच आईयां। जदों इत्थे when द स्पैरोज केम टू द फील्ड्स टू पिक अप ग्रेन्स। जदों चिड़ियां खेत विच दाणा चुगण आईयां, ग्रेन्स हुंदा दाणे। सो जदों ओह पिक अप चुगणा, जदों चिड़ियां खेत विच दाणा चुगण आईयां, किसान ओह सारियां जाल विच फस गईयां। They were all caught. Catch the second, third form है caught, catch, caught. They were all caught in the trap. So ए past indefinite दा passive है कि वह सारियां जाल विच फस गई हैं। किसान नूं अपने वल आउंदा वेख। Seeing the farmer coming towards them, वो फड़फड़ाउण लगियां।
they started fluttering. They started fluttering. अचानक ओह जाल समेत उड़न लग पईयां. अचानक suddenly. Suddenly they began to fly. So इत्थे started flying भी कह सकते हैं, began to fly भी कह सकते हैं, जिस तरह से पिछली वीडियो विच वेख्या सी. अचानक वह जाल समेत उड़न लग पईयां. Suddenly they began to fly with the net, जाल समेत. उसने उन्हां दा पिछा करना शुरू कर दिता. He started, जब began to भी कह सकते हैं पिछले सेंटेंस वांग. He started chasing. So chase एक वर्ब दी फॉर्म है पिछा करना. So इत्थे आपां लास्ट ई है उहदा, ई कट के आपां आई एन जी ला दिंदे हां. He started chasing. them ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਸਕਿਆ. ਸੋ ਸਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਟ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ, ਕੁਡੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਕਨ 'ਚ. ਕੋ ਇੱਥੇ ਕੈਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਫਸਟ ਫੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕੈਚ them. ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ. ਫਾਰ ਅਵੇ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ. ਫਾਰ ਅਵੇ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਡ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਰੈਟਸ. Far away in the forest there lived sparrows friends rats. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤਾ. They nibbled at the whole net. Nibble at ਕੁਤਰ ਦੇਣਾ. They nibbled at the whole net. So is the moral. ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਵਿਦ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਕਰੇਜ ਹਿੰਮਤ ਐਂਡ ਏਕਾ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਦ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਐਨੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ. विद डेस्टिनेशन मंजिल अचीव प्राप्त करना. सो वी कैन अचीव एनी डेस्टिनेशन विद करेज एंड यूनिटी. सो ये सीगा आज दा लैसन. नैक्सट लैसन विच असी फिर मिलते हैं.